हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। सो क्लास, हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन के माध्यम से हमारा रिविजन हो रहा है और कुछ क्वेश्चन को हम आज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो क्लास, प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा गया था हाउ डज बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि जो बाइल है वो डाइजेशन में किस प्रकार से हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है। हमने कहा था बाइल लिवर से सिक्रीट होता है। लिवर सिक्रीट करेगा यहाँ पे बाइल को, और बाइल कहाँ पे कलेक्ट होता है, हमने कहा बाइल होगा गॉल ब्लैडर में। तो बाइल को हम क्या कहते हैं, हम पितरस कहते हैं, और जो पितरस होगा वो कहाँ स्टोर होगा, पित्ताशय में। अब अगर एक्शन की बात आती है कि जो बाइल एक्शन कहाँ पे करेगा, एक्शन यानी कि बाइल का एक्शन क्या होगा, डाइजेशन। यही हमसे पूछा गया है कि बाइल डाइजेशन किस प्रकार से कर रहा है, यानी कि बाइल जब एक्शन करेगा, बाइल जब कार्य करेगा यानी कि वो पाचन करेगा, तो बाइल एक्शन कब लेगा, कहाँ पे लेगा, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो श्रावित कहाँ से हो रहा है, लिवर से हो रहा है, जमा कहाँ पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर में हो रहा है, और काम कहाँ पे करेगा, ये करेगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देख लेते हैं कि जो बाइल है वो किस प्रकार से डाइजेशन करेगा। आंसर में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था बाइल ब्रिंग्स अबाउट अ डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि जो बाइल है वो फैट का डाइजेशन करेगा, यहाँ पे वसा का पाचन करेगा। इट इज अ डाइजेस्टिव जूस दैट प्रोड्यूस बाइल लिवर एंड एक्यूमुलेट इन गॉल ब्लैडर। यही बात हमने कर लिया, हमने कहा था जो बाइल है वो लिवर से सिक्रीट हो रहा है, लिवर से श्रावित हो रहा है, और कहाँ पे जमा होगा, गॉल ब्लैडर में जमा होगा। The bile juice contain bile salts such as bilirubin and bilirubin. जो bile salt है, दो प्रकार के bile salts की हमने बात की थी, bilirubin and bilirubin, which disintegrate large fat globules into a smaller globules for pancreatic enzymes to act on them easily. तो कहाँ पे ये क्या कर रहा है, दो प्रकार के bile आपको याद रखने हैं, bilirubin और bilirubin। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा दिस फिनोमिनन इज टर्म एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब यहाँ पे आपको इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन मिल गई है। नेक्स्ट हमने कहा द बाइल जूस इज ऑल्सो नोन टू मेक द मीडियम एल्कलाइन एंड एक्टिवेट लाइपेज। अब लाइपेज को एक्टिवेट कर रहा है, मीडियम को एल्कलाइन बना रहा है, एल्कलाइन यानी कि पीएच यहाँ पे हाई होगा, और लाइपेज क्या करेगा, यहाँ पे लिपिड का डाइजेशन करेगा। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। आज जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, हमसे कहा गया है स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अब हमसे पूछा गया है पैनक्रियाटिक जूस के बारे में, यानी कि वो पाचक रस जो कि पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब जो पैनक्रियाटिक जूस से जो रस स्रावित हो रहे हैं, पाचक रस, वो प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार से करते हैं वो हमें बताना है। इससे पहले हमें जानना होगा थोड़ा पैनक्रियास के बारे में। तो हमने कहा था पैनक्रियास कहाँ पे होता है, जब हमने इस प्रकार से स्टमक का डायग्राम देखा था, तो हमने कहा था स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यानी कि पत्ती जैसी संरचना होती है, और इसे हमने क्या कहा था, पैनक्रियास कहा था। अब पैनक्रियास का डायग्राम तो सिंपली हमने लीफ लाइक कहा, लेकिन अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसके अंदर दो प्रकार की संरचनाएं आती हैं। हमने कहा था जो पैनक्रियास है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब हेटेरोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दो प्रकार के ग्लैंड हमने पढ़ी थी, एंडो एंड एक्सो, दो प्रकार की ग्रंथियां हमारे पास आती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो पैनक्रियास है ये दोनों ही प्रकार के ग्रंथियां इसमें पाए जाएंगे, एंडोक्राइन पार्ट भी पाया जाएगा, एक्सोक्राइन पार्ट भी पाया जाएगा। और अगर हम पैनक्रियास का डायग्राम बनाते हैं, हमने कहा ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए दो पार्ट आते हैं हमारे पास। तो हमने कहा यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एसिनोइड, और ये जो हमें डॉटेड में दिख रहा है इसे हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगहोर्न। तो जो एसिना यहाँ पे होता है ये यहाँ पे है एक्सोक्राइन पार्ट।
एक्सोक्राइन पार्ट भी अलग अलग यहाँ पे क्या करेगा, जो पाचक रस है उन्हें सिक्रीट करेगा, और यहाँ पे जो आइसोलेट ऑफ लैंगहॉर्न्स है वो भी यहाँ पे क्या करेगा, अलग अलग प्रकार के रसों को स्रावित करेगा। हमें बताना है पेनक्रियाटिक जूस में जो पेनक्रियाटिक जूस है वो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो किस प्रकार से करता है। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, यहाँ पे जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पाचक रस निकलता है वो एक्सोक्राइन पार्ट से निकलेगा। अब एक्सोक्राइन पार्ट से एक यहाँ पे पाचक रस निकलेगा जिसे हम प्रोटीएज कहते हैं, और प्रोटीएज के यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म हमें देखने को मिलती है, जिसमें से यहाँ पे आप पढ़ेंगे एंटेरोकाइनेज के बारे में। क्या होता है एंटेरोकाइनेज, उससे पहले हमने पढ़ा पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल इनएक्टिव एंजाइम। तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस है क्या, जो पैनक्रिया से जो सिक्रीट हो रहा है, जो स्रावित होने वाला रस है, उसे हम पैनक्रियाटिक जूस कह रहे हैं। अब जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम होंगे, ऐसे एंजाइम्स की जो कि निष्क्रिय अवस्था में हैं। टू नेम अ फ्यू, केमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस एंड अमाइलेज। अब देखिए आपको नाम बताए जा रहे हैं एंजाइम के, सबसे पहला है यहाँ पे काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडाइडेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस एंड अमाइलेज। अब यहाँ पे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि कौन किस चीज का पाचन कर रहा होगा। नेक्स्ट हमने कहा विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। अब यहाँ तक तो हमें ये बताया गया कि कौन कौन से एंजाइम यहाँ से पेनक्रिया से रिलीज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से होगा। आप देखेंगे एंटेरोकाइनेज एंड एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। दिस एंजाइम एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। तो क्या होता है यहाँ पे जो एंटेरोकाइनेज है वो कहाँ से, एक्सोक्राइन पार्ट से रिलीज होता है। तो हम मैंने कहा था यहाँ पे प्रोटीएज रिलीज होगा, और प्रोटीएज अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज यहाँ पे क्या करेगा, जो ट्रिप्सिनोजन होगा इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन को ये क्या करेगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो ट्रिप्सिनोजन कैसा था, इनएक्टिव था, और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में किसने कन्वर्ट किया, एंटेरोकाइनेज ने कन्वर्ट किया। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, इससे पहले हमने कहा था पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, और कौन कर रहा है, हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है। ये बात कहाँ पे चल रही थी, ये बात चल रही थी स्टमक में, जब हम बात कर रहे थे हमने कहा पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव था और वो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। अगर ट्रिप्सिनोजन की बात आएगी तो ट्रिप्सिनोजन की बात कहाँ पे आ रही है, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, और कहाँ पे ये चल रही होगी प्रोसेस, ये चल रही होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और जो लीवर से सिक्रीट होने वाला जो बाइल है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वही ये सारे अपने जो पाचन संबंधी क्रियाएं हैं वो करते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा एंटेरोकाइनेज, और यहाँ पे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए यहाँ तक की बात हमने देख ली है कि किस प्रकार से पेप्सिनोजन का कन्वर्जन हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा सब्सिक्वेंटली ट्रिप्सिन एक्टिवेज अदर एंजाइम ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। अब देखिए सबसे पहले कौन एक्टिव हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ है, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बना। अब ट्रिप्सिन सारे जो अदर एंजाइम है उन्हें एक्टिवेट करेगा, सच एज कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड कीमोट्रिप्सिनोजन। तो इन सबको भी क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। कीमोट्रिप्सिनोजन इज एन एंजाइम दैट कोगुलेट्स मिल्क एंड कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन में क्या देखा, हमने कहा कि कीमोट्रिप्सिनोजन कैसा था, इनएक्टिव था, ट्रिप्सिन ने यहाँ पे अपना एक्शन दिखाया और कीमोट्रिप्सिन में इसे कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रोटीन था तो कीमोट्रिप्सिन ने प्रोटीन पे अपना एक्शन दिखाया और पेप्टाइड्स में इसे कन्वर्ट कर दिया। तो प्रोटीन पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ था वो अब सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि वो जटिल फॉर्म थी, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी। जब हम प्रोटीन, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, जटिल फॉर्म है, जटिल अवस्था है कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम बात करें ग्लूकोज की या माल्टोज की, या तो इस प्रकार से हमने क्या कहा, जो ग्लूकोज है वो सरल फॉर्म है, इसी प्रकार से प्रोटीन क्या होगी, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी, और पेप्टाइडेज क्या होगा, यहाँ पे सरल वहाँ पे या फिर सिंपल फॉर्म होगी। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, पेप्टाइड्स बन चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि पेप्टाइड से यहाँ
यहाँ पे किस प्रकार से कन्वर्जन होता है। तो हमने कहा कार्बोक्सी पेप्टाइडेट एक्ट ऑन अ कार्बोक्सिल पार्ट ऑफ द पेप्टाइड चेन, यानी कि जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होगा वो कार्बोक्सिल पार्ट पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। और किसकी कार्बोक्सिल पार्ट की बात हो रही है, पेप्टाइड चेन की बात हो रही है, विच प्रमोट द रिलीज ऑफ लास्ट अमाइनो एसिड, देयरफॉर इट इनेबल इन द प्रोटीन डाइजेशन। अब पेप्टाइडेज का जो पाचन हुआ है वो स्मॉलर पेप्टाइडेज चेन और अमाइनो एसिड में हुआ है। काम किसने किया यहाँ पे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने यहाँ पे फंक्शन किया है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा देयरफॉर द पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन दैट आर फाउंड इन काइम आर एक्टेड अपॉन बाय अ डिफरेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फॉर कंप्लीट डाइजेशन। यानी कि यहाँ पे प्रोटीन और पेप्टोन्स पे जब किस किस का एक्शन हो रहा है, ट्रिप्सिन ने यहाँ पे काम किया, कीमोट्रिप्सिन ने यहाँ पे काम किया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने यहाँ पे काम किया और डाई पेप्टाइड्स में से कन्वर्ट किया। इस प्रकार से जो पैनक्रियाटिक जूस है वो प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है गिव द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य है मनुष्य में डेंटल फार्मूला को हमें बताना है। तो डेंटल फार्मूला से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के दांत आते हैं ह्यूमंस में। तो अगर प्रकार की बात की जाए तो हमने कहा चार प्रकार के होते हैं। और अगर हमने कहा कि कितनी बार जो ह्यूमंस में दांत आते हैं, हमने कहा दो बार आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ह्यूमंस बींग है वो क्या है, डाइफाइडोंट है। तो चार प्रकार के कौन कौन से टीथ होते हैं, हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ टीथ। पहला है इंसीजर, सेकंड है कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर और फोर्थ है मोलर। तो अगर इंसीजर की बात की जाए तो इंसीजर का जो नंबर होता है वो 4 होता है, लेकिन हम एक साइड की बात करेंगे, यानी कि हमारे जो अपर जॉ और लोअर जॉ जो हमारे दांत होते हैं, तो हम पहले अपर जॉ की बात करेंगे। अपर जॉ में भी एक साइड की बात कर रहे हैं, दोनों साइड की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा इंसीजर का जो नंबर होता है वो 2 है। नेक्स्ट हमने कहा कैनाइंस का जो नंबर है वो 1 है। हमने कहा प्रीमोलर का जो नंबर है वो 2 है और लास्ट में मोलर का जो नंबर है वो है 3। तो ये तो बात है कि जो नॉर्मल टीथ हमारे आते हैं उनकी बात है, लेकिन अगर हम बात करें मिल्क टीथ की तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, डेंटल फार्मूला को लिखते हैं। अगर मिल्क टीथ की बात की जाए तो इंसीजर भी यहाँ पे 2 होते हैं, कैनाइन यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। और अगर प्रीमोलर की बात की जाए तो प्रीमोलर यहाँ पे 0 होते हैं, यानी कि नहीं होते हैं, और मोलर यहाँ पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना आया कि जब यहाँ पे दूसरी बार दांत आते, एक तो होते मिल्क टीथ और दूसरे होते परमानेंट टीथ, दो प्रकार के टीथ आते हैं। तो मिल्क टीथ कब आते हैं, जब जो न्यू बॉर्न है वो 8 से 10 महीने का होता है, तब वहां पे मिल्क टीथ आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है कि जब जो बच्चा है वो 6 से 7 साल की उम्र में आता है, तब उसके जो मिल्क टीथ हैं वो टूटने लगते हैं। अब मिल्क टीथ जब टूट जाते हैं तो उसके बाद दोबारा से टीथ आते हैं, फिर से जो दांत आते हैं वो उन्हें हम कहते हैं परमानेंट। तो परमानेंट टीथ में क्या होगा कि 2 ही बार दांत आएंगे। अगर परमानेंट टीथ यहाँ पे पहले तो क्या होता है कि जब तक एक फिक्स जो एज होती है तब तक परमानेंट टीथ नहीं टूटते हैं, धीरे धीरे जब क्या होता है ओल्ड एज आने लगती है यानी कि बुढ़ापा आने लगता है, तब सेल्फ डेथ होने लगती है और धीरे धीरे करके जो परमानेंट टीथ है वो टूटने लगते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर क्या हुआ टाइम से पहले ही कोई किसी अन्य कारण की वजह से अगर परमानेंट टीथ
टूट जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, फिर से टीथ नहीं आएंगे, फिर से दांत नहीं आएंगे, यानी दांत दो बार ही आते हैं। इसीलिए जो मनुष्य है उन्हें डायफाइडॉन कहा जाता है, यानी कि जिसमें एक बार दांत आएंगे, जिसके जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोफाइडॉन। और जिस व्यक्ति के जीवन काल में जो दांत है वो दो बार आते हैं उन्हें हम कहते हैं डायफाइडॉन। तो मनुष्य इस प्रकार से क्या हुआ, डायफाइडॉन था, क्योंकि दो बार दांत आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो टाइप्स ऑफ टीथ हैं वो चार प्रकार के ही होंगे। पहला इंसाइजर है, सेकेंड केनाइन है, थर्ड है प्रीमोलर और लास्ट है मोलर। तो क्योंकि आप डाइजेशन पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक प्रकार का जो दांत है उसके काम क्या है, इंसीजर का काम क्या होगा। तो ये आप तब पता लगा पाएंगे जब आप इमेज को देखेंगे। इंसीजर फ्रंट में होते हैं तो इसका मतलब इंसीजर का काम क्या है, काटना होगा। उसी प्रकार से प्रीमोलर और मोलर की अगर हम बात की जाए तो हम कहेंगे चबाना होगा। केनाइन की अगर हम बात करें तो हमने कहा फाड़ना होगा, क्योंकि क्या होता है दांतों का जो शेप है वो अलग अलग होगा, उसके कार्य के अकॉर्डिंग कार्य भी अलग अलग होंगे। इंसीजर का अलग कार्य होगा, केनाइन का अलग कार्य होगा। शेप आप देखोगे तो इंसीजर का अलग शेप होगा और केनाइन की अलग शेप होगा, क्योंकि कार्य अलग अलग है। तो इसी प्रकार से आपको कार्य देखना है, आपको शेप भी देखनी है, किस प्रकार की शेप आती है। अब बात आती है कि दो प्रकार के जब हम दांतों की बात कर रहे हैं तो ये हमने कहा, जो हमने अभी बात की है ये हमने बात की है मिल्क टीथ की, और इससे पहले हमने बात की थी परमानेंट टीथ की। तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में क्या डिफरेंस आता है, अगर हम डेंटल फॉर्मूला को देखें तो डेंटल फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। इन ह्यूमंस द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ इज गिवन बाय, सबसे पहले हमें मिल्क टीथ का फॉर्मूला बताया गया है 2102/2102। अब 2102 क्या हमें बता रहा है, हमें बता रहा है ये कि जो टू सबसे पहले जो दो जो नंबर होगा वो इंसीजर का नंबर होगा, उसके बाद जो एक नंबर होगा वो केनाइन का नंबर होगा, फिर यहाँ पे जीरो बताया गया। तो प्रीमोलर यानी कि जो मिल्क टीथ है, जब बच्चे में मिल्क टीथ आते हैं, दूध के दांत आते हैं, तो वहां पे प्रीमोलर नहीं होते हैं और मोलर का नंबर यहाँ पे दो होता है। अभी एक साइड की बात की गई है, एक साइड की बात यानी कि अभी अपॉन में क्या कह रहे हैं, अपॉन में भी यानी कि ये लोअर जो और अपर जो दोनों दोनों को बता रहे हैं। एक साइड की बात कर रहा है, हमने कहा अपर जो, तो अपर जो की एक साइड की बात हो रही है। ये 2102 जो नंबर है वो अपर जो की एक साइड का है, वही अपॉन में हमें क्या बताया गया है, लोअर जो की एक साइड का हमें बताया गया है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर हम कहीं हमने कहा अपर जॉ के एक साइड का जो नंबर है वो 21, वो है 2102। अब अपर जॉ है तो अपर जॉ के एक साइड का है ये। तो हमने कहा दूसरे साइड का भी जो नंबर कितना होगा, दूसरे साइड का यानी कि ये एक साइड का नंबर है, तो हमने कहा दूसरे साइड का नंबर भी 2102 ही होगा। उसी प्रकार हमने कहा कि अगर, क्योंकि हम क्या लेते हैं दांतों का, जब हमने सेट देखा तो सेट एक जैसा ही होता है। अगर ऊपर का ये दो ये सेट है पूरा, नीचे का भी यही सेट होगा 2102 2102। तो ये दोनों प्रकार के क्या है, ये दोनों ही लोअर जो और अपर जो में दांतों की बात की गई है, लेकिन हम फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, हमने कहा 2102/2102 × 2 = 20। कितना नंबर आ गया यहाँ पे, 20 नंबर आ गया है, यानी कि टू लैबोरेट ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, यानी कि अपर और लोअर जॉ की हाफ की बात की गई है। आप समझ रहे होंगे हमारे पास इस प्रकार से दांत होते हैं, तो यहाँ पे हाफ की बात की जा रही है सिर्फ इस वाले पोर्शन की, यानी कि ये क्या है हाफ है, और इस हाफ में जो नंबर है वो 2102 है, अपर जॉ की बात है। और यही अपर जॉ में हमने कहा यहाँ भी 2102 है, वही सेम नीचे भी ऐसे ही होगा, यानी कि जो नीचे वाला हमारा जॉ है उसमें भी जो दांतों का नंबर होगा वो इसी प्रकार से होगा। तो इसीलिए जो टोटल नंबर हमारे पास कितने आए हैं, 20 आए हैं, और किसकी बात हो रही है, मिल्क टीथ की बात हो रही है। तो हमने कहा टू इलैबोरेट ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ हैज अ टू इंसीजन, तो हमने कहा इंसीजर का जो नंबर है वो एक होगा, केनाइन का नंबर इंसीजर का नंबर दो है, केनाइन का नंबर एक है, प्री मोलर जीरो है यहाँ पे, और दो यहाँ पे मोलर्स होते हैं। तो कहा क्या गया, प्री मोलर्स इन मिल्क टीथ इज एब्सेंट, इम्पॉर्टेंट है स्टार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि जो मिल्क टीथ है उसमें कौन सा टीथ एब्सेंट होता है, आपने कहा प्री मोलर एब्सेंट होता है यहाँ पे। अगर हम परमानेंट टीथ की बात की जाए, हमने कहा डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ इन ह्यूमन इज गिवन बाय 2123/2123 ×
सेम है, ये भी हमने जो 2 1 2 3 बताया गया है ये भी हाफ जॉ का बता रहा है, यानी अगर हम ऊपर के दांतों की बात कर रहे हैं तो ऊपर के दांतों की हम एक साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी साइड की हम बात कर सकते हैं। तो हमने कहा ऊपर के जो हमारे दांत हैं वहाँ पे एक साइड में 2 1 2 3 दांत है और दूसरी साइड में भी, दूसरी साइड में भी कितने होंगे 2 1 2 3। अब ये ऊपर के हमारे दांत हो गए, हमने कहा नीचे भी सेम यही होगा 2 1 2 3 2 1 2 3, ये पूरे हमारे क्या हो गए दांत हो गए। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सिर्फ इतने इतना लिखा, हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखा है। अब जब ये वाला पोर्शन लिखा है तो हमें इतने जो सेकंड पोर्शन है वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने उसे इंटू टू किया और टोटल नंबर हमारे पास 32 आया है। इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टीथ होता है वो 32 होता है, लेकिन कौन से टीथ होंगे, परमानेंट टीथ होंगे। मिल्क टीथ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 20 होंगे। अब दोनों में डिफरेंस भी आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे प्रीमोलर आ गए हैं, एक तो यहाँ पे ज्यादा नंबर इंक्रीज हो गया, देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 आ गया है, यहाँ पे जो मोलर का नंबर था वो 2 था और यहाँ पे जो मोलर का नंबर है वो 3 है, लेकिन एक साइड का है। अब हमने कहा कि 2 एक साइड का है तो फिर दोनों साइड के क्या होंगे, 4 होंगे, और चारों साइड के कितने होंगे, 8 होंगे। वही हमने कहा कि 3, अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें तो 3 एक साइड है और 3 दूसरे साइड है, 6 हो गए। और अगर हमने चारों साइड की बात की तो हमने क्या कहा, हमने कहा 24 हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए हैं, टीथ आ गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखो कि कितने टीथ ज्यादा हैं, तो हमने कहा पहले हमारे पास 20 थी और अब यहाँ पे 32 टीथ आ गए हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है उसमें हमसे कहा गया है बाइल जूस कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम येट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, यानी कि जो बाइल जूस है उसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन फिर भी ये पाचन की प्रक्रिया में इम्पोर्टेंट है, बताइए क्यों। आंसर हमारे पास क्या है, हमने कहा बाइल जूस इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, इट इज डाइजेस्टिव जूस दैट प्रोड्यूस बाय द लिवर। इतनी बात हमें पता है कि जो बाइल जूस है वो क्या है, डाइजेस्टिव जूस है और लिवर से यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं। इवन दो इट हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम इट हैज अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन फैट डाइजेशन, यानी कि इसमें क्या होता है एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन फिर भी ये डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर द टू बाइल सॉल्ट दैट आर प्रेजेंट इन बाइल जूस, ये बात भी हमें पता है कि बाइल में बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन दो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं विच डिस इंटीग्रेट लार्ज ग्लोब्यूल्स इंटू अ स्मॉलर ग्लोब्यूल सच दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन देम इजली। तो क्या करेगा ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उन्हें जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और अब जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होंगे वो आसानी से इस पे वर्क कर सकते हैं। दिस फिनोमिना इज रेफर्ड टू एज अ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये भी हमने पढ़ लिया था। द बाइल जूस इज ऑल्सो नोन टू मेक अ मीडियम एल्कलाइन एंड इज इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ लाइपिन। हम देखते हैं कि जो बाइल की भूमिका, बाइल की जो भूमिका है वो डाइजेशन में किस प्रकार है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट वुड हैपन इफ एचसीएल वर नॉट सीक्रेट इन द स्टमक। कहा यह है कि अगर हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित नहीं हुआ तो क्या होगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे द वॉल्स ऑफ स्टमक सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच डिजॉल्व फ्रेगमेंट्स ऑफ फूड एंड बुल्स एंड एसिडिक इन्वायरमेंट, दिस मीडियम फैसिलिट द कन्वर्जन ऑफ अ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, पेप्सिन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोटीन डाइजेशन। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन पता होने चाहिए और आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट नहीं हुआ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर क्या रहा था, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था, तो पेप्सिनोजन यहाँ पे पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा यानी कि वो निष्क्रिय अवस्था में ही रहेगा और हमारे स्टमक में प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, पहली बात ये होगी। सेकेंड बात क्या होगी, यहाँ पे हमने कहा था Fe3 को ये Fe2+ में कन्वर्ट कर रहा है, वो कन्वर्जन यहाँ पे नहीं होगा। थर्ड हमने कहा है कि HCl जो है यहाँ पे क्या कर रहा है,
सुरक्षा प्रदान कर रहा है हमारी बॉडी को, क्योंकि जो हार्मफुल जो सूक्ष्म जीव आ गए थे, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव थे, उन्हें किल कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो यहाँ पे नहीं मर पाएंगे और यहाँ पे हमें बीमारियां हो सकती हैं। कोर्ट हमने कहा यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मीडियम को एसिडिक बना रहा है, यानी अम्लीय बना रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि जब पाचन हो रहा है तो अलग अलग पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में जो पीएच है वो अलग अलग होता है डाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो मीडियम है वो एसिडिक नहीं हो पाएगा। ये सारे रीजन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन बताइए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सिक्रीट नहीं हुआ हमारे स्टमक में तो क्या होगा। दोनों का आंसर सेम यहाँ पे आएगा। चलिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है, सेकंड जो लाइन वो कह रही है पेप्सिन वुड बी इनएक्टिवेटेड इफ एसीएल वर नॉट बी सिक्रीटेड इन द स्टमक व्हिच वुड हैव एन इफेक्ट ऑन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इन ऑर्डर फॉर द प्रोटीन टू बी डाइजेस्टेड अ पीएच ऑफ 1.8 इज एसेंशियल विच इज प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे पीएच बताया गया है। पीएच कितना होना चाहिए, 1.8 होना चाहिए। हमने बात की थी यहाँ पे पीएच स्केल की बात की थी। पीएच स्केल की जब हमने बात की थी, हमने कहा था जो स्केल है 1 से लेके 14 तक है। अब यहाँ पे ये एसिडिक होगा और यहाँ से 8 से लेके और 14 तक ये क्या होगा, यहाँ पे क्षारीय होगा, यानी कि बेसिक होगा। अब यहाँ पे पीएच कितना बताया जा रहा है, 1.8, यानी कि कहाँ, यहीं पे कहाँ कहीं होगा, जो हमारे स्टमक यानी आमाशय का जो पीएच है 1.8 होगा और 1 या 2 के बीच में कहीं पे आ रहा होगा। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बताइए ये क्या है, जो एसिडिटी को बता रहा है, जो अम्लीयता को बता रहा है, अम्लीयता यहाँ पे अधिक है या कम है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी अम्लीयता 6 से लेके 1 की ओर वापस जाती है, यानी कि हमने कहा कि अम्लीयता जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा अम्लीयता वहाँ पे घटेगी। हमने कहा पीएच 2 है तो इसका मतलब वहाँ पे जो अम्लीयता है, जो एसिडिटी है वो ज्यादा है। हमने कहा पीएच यहाँ पे 4 है, इसका मतलब कि वहाँ पे जो अम्लीयता है वो कम है 2 के कंपैरिजन में, यानी कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो अम्लीयता है वो घटेगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा, अगर पीएच 1 आता है तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा और पीएच 6 आता है तो सबसे कम अम्लीय होगा। वही अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, क्षारीय स्थिति की, तो हमने कहा जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो क्षारीय गुण है वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।